प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सागर साहब ने रिकमेंड किया और वसीम साहब को मेरे सामने दबाव बना। राष्ट्रीय प्रवक्ता है शाहनवाज हुसैन साहब, इनका स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद शेख साहब, मैं आए हुए तमाम लोगों का बहुत तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके दौर में ये खत्म हो गई थी, धीरे धीरे हो रही थी। हम लोगों ने उसी पैसे को मुस्लिम बच्चियों के पढ़ने के लिए लगाएंगे। देखिए, विपक्ष का काम तो है आरोप लगाना। अभी माइनॉरिटी का सब्सिडी खत्म किया, ये बात सही है। माइनॉरिटी का सब्सिडी ना भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया, ना नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया। सब्सिडी बंद करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया और मैं मानता हूँ कि निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सही दिया और सरकार ने सही समय पर इसका निर्णय लिया। और मैं मानता हूँ कि मुस्लिम समाज ने भी इसको स्वीकारा है, क्योंकि पूरे देश भर में से विपक्ष को अगर छोड़ेंगे, ये विपक्ष ने तो मुस्लिम समाज का और दलित समाज का जीना हराम कर दिया देश में। मुस्लिम समाज ने इसका स्वीकार किया, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि ये सही डायरेक्शन है, दिस इज़ द राइट डायरेक्शन। कि वो इस पैसा, मैं तो चाहूँगा कि मोदी जी को मैं चिट्ठी लिखूँगा कि उसमें और थोड़ा पैसे का इंक्लूजन करो। हज का जितना पैसा है वो तो बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को अंतरात्मा से लगना चाहिए कि अच्छा काम हुआ, इसलिए और भी उसमें थोड़ा पैसे का इंक्लूजन करना पड़ेगा। तो ये बजट में हम इंक्लूजन करके, क्योंकि हमको समाज को आगे लाना है तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, तो साहब कोई सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपना भारत देश का कल्चर ये है, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, देने में हम मानने वाले लोग हैं, लेने में मानने वाले लोग नहीं है। इसलिए बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना, यही एक तरक्की के रास्ते पर ले जाने का रास्ता है। और मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने और मोदी जी ने एक सही काम किया है। अजम जी, आज कितने माइनॉरिटी के लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं? आरोप लगता था कि बीजेपी के साथ माइनॉरिटी समाज के लोग नहीं हैं, आज काफ़ी संख्या में यहाँ युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, क्या कहना है? देखिए, अभी जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और उनका पार्लियामेंट में ये कहना कि भाई मैं इस देश के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लैपटॉप देखना चाहता हूँ, तो युवा पीढ़ी इससे बहुत आकर्षित हुई है। और जो डेवलपमेंट का, विकास का काम जो प्रधानमंत्री जी ने और यहाँ हमारे राज्य में देवेंद्र फडणवीस साहब ने और ख़ास करके इस इलाके के जो हमारे सांसद हैं गोपाल शेट्टी साहब हैं, उन्होंने जो सबका साथ सबका विकास के ले करके आगे बढ़ने का काम किया, तो इस इलाके के युवा जो है पूरी तरीके से उसमें सहमत है, खुश है। और आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में आज मुस्लिम समाज के युवा पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। थैंक यू। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज।